बिल्किस रियाज के अफसानों के बंधन में आपके लिए आयशा ने और इस खूबसूरत पढ़ा नायला नवीद ने बाबर जॉन अगर आप हमसे सौतीम करना चाहें तो सैमा ऐसी नंबर दो नौ सिफर दो छह एक इस्लाम आबाद या पीओ बाग से छः पाँच दो इस्लाम आबाद पर रब कीजिएगा पी एफ एफ पी ऑडियो वर्ल्ड की सौती कु बनाना कानून जुर्म है ये इंतबाव मुकम्मल हुआ दो कसे पर इस किताब को सुनने के बाद शुरू तक रिवाइंड कर दीजिए इस किताब की कसेट नंबर एक है पागल समाजी कारकुन की हैसियत से नाइसमा कई मर्तबा मेंटल हॉस्पिटल जा चुकी थी लेकिन अब की मर्तबा जब गई तो एक पागल मरीजा को देखकर उसे धचका सा लगा नाइसमा इस मरीजा की जाने बढ़ी ताकि वो सही तौर पर शनाख्त कर सके कि क्या वो वाकई सायराबाजी हैं? मगर इस खातून ने नाइसमा को अपनी जानब आता देखकर चलाना शुरू कर दिया मुझे बचाओ मुझे बचाओ ये मुझे मार डालेंगी नाइसमा डरते हुए एकदम पीछे हटी नाइसमा का हटना था कि पागल मरीजा ने मेंटल हॉस्पिटल के कंपाउंड में भागना शुरू कर दिया और वही फिक्र दोहराए मुझे बचाओ मुझे बचाओ भागते भागते वो नढाल सी हो गई मगर इन खातून ने उसे सहारा दिया दूसरे ही लम्हे वो इससे लिपट गई और चोर नजरों से अपने गिरदो पेश का जायजा लिया इसकी इस हरकत से चारों तरफ सकूत छा गया वो सिमटकर बैठ गई नाइसमा ने अपने अंदर हौसला पैदा करते हुए इस नफ्सियाती मरीजा की तरफ कदम बढ़ाए और थोड़े से फास्ले पर खड़े होकर पुकारा सायराबाजी अब की मरतबा नाइसमा ने उसको फिर आवाज दी वो एकदम खड़े होते हुए चीखी बचाओ बचाओ मुझे बचाओ उसकी चीखो पुकार इतनी बुलंद थी कि निगरान लेडी डॉक्टर को बुलाने चली गई और थोड़ी ही देर के बाद वापस आते हुए बोली बीबी इसको ना ही बात करो तो बेहतर है क्यों नाइसमा ने हैरत से पूछा इसलिए कि जो कोई भी इससे बात करने की कोशिश करता है तो ये चीखने लग जाती है लेडी डॉक्टर आ चुकी थी उसने शफकत के साथ पेश आते हुए पुकारा सायरा बीबी सायरा ने फटी फटी नजरों से लेडी डॉक्टर की जानब देखा आज फिर दौरा पड़ गया ना लेडी डॉक्टर ने बड़ी हलीमी से पूछा ये तो बेचारी चुपचाप थी मगर इस बीबी को देखते ही चीखने लग गई निगरान ने लेडी डॉक्टर को सायरा की कैफियत बताते हुए कहा नाइसमा ने लेडी डॉक्टर को बताया कि वो एक समाजी कारकुन है और गाहे बगाहे नफस्याती मरीजों को देखने चली आती है फिर साथ ही उसने ये इंकशाफ भी किया कि मरीजा के साथ किसी जमाने में गहरे मनासिम रह चुके हैं लेडी डॉक्टर ने नाइसमा की बातों से असर लिया और तसली देते हुए कहा ये जल्द ठीक हो जाएंगी फिक्र की कोई बात नहीं लेडी डॉक्टर ने खालिस्तन डॉक्टर के अंदाज में जवाब देते हुए कहा नाइस्मा की आंखों में चमक आ गई और वो पूरे जज्बात से मुतवजा हुई तो क्या ये वाकई ठीक हो जाएंगी क्यों नहीं कौन सी बात नामुमकिन है ना जाने आज कल लोगों को खुदा पर भरोसा क्यों नहीं रहा नाइस्मा कुछ खिसियानी सी हो गई मुझे खुदा पर भरोसा है वो तो मैं इनको वैसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहती हूं तुम जरूर देखोगी डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा आपको कुछ मालूम है कि किस वजूहत की बिना पर ये अपना जहनी तवाजुन खो बैठी हैं? ये दो माह बेशतर हस्पताल लाई गई हैं इनकी हिस्ट्री से ये मालूम होता है कि इनकी बेटी की शादी थी और ये धूमधाम से तैयारियों में मसरूफ थी एक रात किसी शादी की वापसी पर वो अपनी कार ड्राइव करके घर जा रही थी कि रास्ते में चंदकुंडों ने जो कि पुलिस की वर्दी में मलबूस इनकी गाड़ी को चेकिंग करने के लिए रोका तो ये रुक गईं इनकी गाड़ी का रुकना था कि वो नामालूम अशखास गाड़ी में सवार हो गए और सारे रास्ते मारपीट करते रहे कि बता तेरी बेटी का जेवर किधर है तब तुम्हारी जान की खलासी करेंगे वो अपनी जान पर तशद बर्दाश्त करती रहीं मगर उसने अपने घर का पता ना बताया जब वो पूछ पूछ कर थक गए तो एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनके हाथों से कंगन और गले और कानों के आवेजे उतरवा लिए और गाड़ी लेकर चलते बने इस बहादुर खातून ने अपना जहनी तवाजुन तो खो दिया बेटी का जहेज भी बचा लिया और अपनी इसमत की हिफाजत भी कर ली लेडी डॉक्टर से सायराबाजी की कहानी सुनकर नाइसमा के दिल को ठेस पहुंची औरत की मजलूमियत के किस्से तो वो सुनती आई थी आज गमों गुस्से से सोच रही थी दुनिया में रहने वाले लोग कितने ज़ालिम हैं, जरा से फायदे के लिए लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं नाइसमा की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी घर पहुंचकर भी वो बड़ी बेचैन रही उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इस नफ्सियाती मरीजा को ठीक करे नाइसमा बैठे, बैठे बैठे बीस साल पीछे चली गई नाइस्मा अभी बच्ची ही थी जब भी अपने पड़ोस में सहेली नजमा को मिलने के लिए जाती तो उसकी बड़ी बहन सायरा उसे बहुत ही प्यार करती वो नजमा के साथ साथ उसका भी मुंह हाथ धुलवाती टॉफियों के साथ साथ पिस्ते और बादाम भी उनकी जेबों में भर देती जब नाइसमा की टॉफियां और ड्राई फ्रूट खत्म हो जाते तो वो उसके कदम सायराबाजी के घर की तरफ उठ जाते वो अपनी बहन नजमा की तरह उसे चाहती थी वो खंदा पेशानी से उसका खैर मकदम करती और दो चार टॉफियां और थमा देती नाइसमा और नजमा अभी मैट्रिक में ही थी कि सायरा की शादी हो गई फिर क्या था सायरा की जुदाई में दोनों कई दिन तक परेशान रहीं। सायरा ससुराल में क्या गई कि बेमौसमी बहार छा गई न सिर्फ शौहर बल्कि ससुराल में हर एक उसका दीवाना था उसके हुसने सलूक से अड़ोस पड़ोस वाले भी बहुत खुश थे वक्त गुजरते हुए देर नहीं लगती नजमा और नाइसमा की शादियां हो चुकी थीं। वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गईं। नाइसमा के शौहर का तबादला लाहौर और नजमा के शौहर का कराची में हो गया ज्यादा फासले होने की वजह से वो आपस में कट कर रह गईं। काफी सालों के बाद आज सायरा को पागलखाने में देखकर नायसमा का बुरा हाल हो रहा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सायरा का क्या इलाज किया जाए अभी वो इसी कश्मकश कश्म में थी कि नाइस्मा का शौहर रिजवान कमरे में दाखिल हुआ साथ ही नौमान जो कि रिजवान का दोस्त था और कई साल बाहर रह चुकने के बाद शायद पाकिस्तान सेटल होने के लिए आया था नायसमा ने नौमान को हैरत से देखा अरे नौमान भाई आप कब अमरीका से लौटे हमारी किसी को खबर हो तो बताएं कब लौटा हूं नौमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया रिजवान और नौमान दोनों सोफे पर बैठे थे और रिजवान ने नाइसमा की जानब मुस्कुराते हुए कहा जानती हो हमारे नौमान मियां फुकरे थे मगर अल्लाह ने उनको करोड़पति बना दिया है अरे कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास जो रातों रात अमीर बन गए भाई मेहनत इंसान को अमीर बना देती है आपने अमेरिका क्यों छोड़ा क्या रखा है अमेरिका में हमारे मुल्क में बस पैसा ही पैसा है इंसान बहुत जल्द अमीर बन सकता है नाइसमा रिजवान ने नाइसमा की हैरत में इजाफा करते हुए कहा नौमान के लिए कोई लड़की तो ढूंढो पाकिस्तान में बेशुमार अच्छे से अच्छे घराने में लड़कियां मौजूद हैं लोग एक दूसरे को दौलत के तराजू में तोलते हैं नाइसमा बेगम मेरा दोस्त लायक और फायक है जो कोई भी इसकी जिंदगी में आएगी खुशकिस्मत ही होगी सोचो तो जरा इतनी सी उम्र में इस नौजवान ने कितनी तरक्की की है काबिल फखर है नौमान रिजवान ने मुस्कुराते हुए बड़े नाज से नौमान की जानब देखा नाइसमा ने मुस्कुराते हुए कहा इसमें कोई शक नहीं खैर बातें तो होती रहेंगी मैं नौमान भाई के लिए चाय बनाकर रहती हूँ नाइसमा बावर्ची खाने में चाय दम करते हुए सोचने लगी ये वही नौमान है जो सड़के नापा करता था मुफलसी के आलम में कई मरतबा उनसे उधार भी ले चुका था फिर उसकी सोचों का दायरा मेंटल हॉस्पिटल में, में सायराबाजी की तरफ मुड़ गया नौमान वगैरह को चाय पिलाने के बाद मुझे पागलखाने भी जाना चाहिए सायराबाजी को इस वक्त मेरी जरूरत है रिजवान और नौमान के सामने चाय की ट्रॉली लाते हुए नाइस्मा बोली आप दोनों दोस्त चाय पिए मुझे थोड़ी देर के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाना है क्या कहा, कहा जाना चाहती हो नौमान ने हैरत से पूछा मेंटल हॉस्पिटल क्यों खैर है नोमान भाई जिस मरीजा को वहां देखना चाहती हूँ वो मेरी सहेली की बड़ी बहन है दरअसल इसका शोहर और दूसरे शहर में रहते हैं मुश्किल से ही कोई रोज उसके पास आता है अगर मैं तीमारदारी ना करूं तो ज्यादती होगी अरे भाभी जान कौन सी इन मोहतरमा को होश है जो गिलागुजारी करे फिर दूसरों की आग में जलना कहाँ की अक्लमंदी है अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम ना आए तो बड़ी ज्यादती वाली बात है इसको अगर होश नहीं तो क्या हुआ मेरा जमीर तो बेहोश नहीं नौमान के बजाय रिजवान ने जवाब दिया बस यही खराबी होती है समाजी कारकुन बीवियों की जब देखो दूसरों के दुख में मुब्तला नजर आती हैं। मैं तो ये बताना भूल ही गया कि मैं अपने दोस्त फयाज के घर जा रहा हूं वो बेचारा इस वक्त बड़ा सख्त परेशान है अच्छा भला बिजनेस तबाह होकर रह गया क्या से क्या हो गया मैं तो चाहता था नौमान को साथ ले जाने को मगर तुम मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहती हो तो नौमान के साथ चली जाओ वापसी पर इसे अच्छी सी लड़की भी दिखा देना भाई इस वक्त तो मैं पागल खाने जाने के मूड में हूँ हाँ अगर किसी मरीजा से कहते हैं तो शादी करवा देती हूँ सवाब का सवाब और बीवी की बीवी इसी बहाने इस बेचारी को नई जिंदगी मिल जाएगी नाइसमा ने मुस्कुराते हुए कहा देखा रिजवान भाई कितनी बदशगुनी की बातें कर रही हैं? मेरे लिए सिर्फ पागल लड़कियां ही रह गई हैं। रिजवान ने डांटते हुए कहा नाइस्मा, खबरदार जो पागल लड़की से शादी करवाई ये तो हीरा है हीरा, निहायत ही स्मार्ट और खूबसूरत लड़की से संजोग जोड़ो बहुत बेहतर जनाब नायस्मा ने सादतमंदी से जवाब देते हुए कहा नौमान मैं एक घंटे में फयाज के घर से वापस आया मेरा ख्याल है तब तक तुम दोनों भी पहुंच जाओगे रिजवान ने घर से बाहर निकलते हुए कहा ठीक है यार चलिए मोहतरमा मेंटल हॉस्पिटल की सैर ही कर आते हैं नाइसमा नौमान के साथ गाड़ी में बैठ गई हस्पताल पहुंचते ही नाइसमा गाड़ी से उतरी और डिग्गी में से सायरा के लिए चाय का थरमोस और टोकरी निकाली जिसमें फ्रूट बिस्किट वगैरह थे नौमान ने जबरदस्ती टोकरी नाइसमा के हाथ से छीनते हुए कहा आजीब भाई के होते हुए बहन टोकरी उठाए ये कैसे मुमकिन है और नौमान ने वाकई टोकरी अपने ने कमरे में दाखिल होते हुए पुकारा सायरा ने पलट कर फटी फटी निगाहों से देखा मैं नायस्मा हूँ नजमा की सहेली अभी नाइसमा ने इतना ही कहा था के नौमान टोकरी पकड़े कमरे में दाखिल हुआ सायरा की निगाहें नौमान की तरफ उठ गईं और उसने नौमान को घूरना शुरू कर दिया नाइस्मा भाभी नौमान बोखलास आ गया मुझे इस औरत से वहशत हो रही है वापस चलते हैं नाइस्मा ने कोई जवाब ना दिया सायरा मुसलसल नौमान को घूर रही थी कमरे में खामोशी छा गई फिर एकदम सायरा लड़खड़ाकर पलंग पर बैठ गई उसके सीने पर तो जैसे कोई तीर बरसाने लगा वो घबरा कर उठी उसके जहन में बरकी रौ सी दौड़ गई तकलीफ ते धक्का सा लगा पुराना खौफ उस पर निहायत ही शिद्दत से हमला आवर हुआ और वो दौड़कर नौमान की तरफ बढ़ते हुए चीखी तुम चोर हो लुटेरे हो तुमने मुझे लूटा है उसके दिल में बेशुमार कहने की बातें थी सायरा ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि नौमान दो कदम पीछे हटते हुए नाइसमा से मुखातिब था भाभी चलो लगता है इसको पागलपन का दौरा पड़ने वाला है सायरा ने अपनी पूरी ताकत से नौमान को पीछे धकेला तुम चोर हो डाकू हो रास्ते में चलती हुई गाड़ियों को रोक कर लोगों को लूट लेते हो नौमान की पेशानी पसीने से तर हो गई और वो बाहर की तरफ लपका तो जाते ही नौमान की गर्दन को बेदर्दी से दबोचने की कोशिश की तुम समझते हो मैं तुम्हें जाने दूंगी नहीं अभी पुलिस को बुलवाती हूँ तुम जैसों का ठिकाना जेल है सिर्फ जेल सायरा की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नौमान का रंग जर्द पड़ गया नौमान ने अपनी पूरी ताकत से अपने आप को छुड़ाते हुए नायस्मा को कहा प्लीज खुदा के लिए यहां से चलें। नायसमा ने टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा बाजी इसमें चाय और बिस्किट हैं पी लीजिएगा इस वक्त नाइसमा भी खौफजदा लग रही थी वो बगैर सायरा से आंखें मिलाए बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी दूसरे ही लम्हे सायरा इसके करीब बहुत करीब आते हुए बोली नाइस्मा, नाइस्मा खुदा के लिए इसके साथ वापस ना जाना ये वही लुटेरा है जिसने मुझे लूटा था ये तुम्हें भी लूट लेगा इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ये वही है सायरा होश में आ चुकी थी और नाइसमा हैरानी से इसे टुकड़ टुकड़ देख रही थी ये वही सायरा है जो पागल थी और सायरा की बातें नाइसमा के कानों में अमृत टपका रही थीं। वो आगे बढ़ी और सायरा के गले लगते हुए बोली सायरा बाजी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ठीक हो जाएंगी। सायरा सरगोशी के अंदाज में बोल रही थी मेरी अच्छी नाइसमा मेरी गुड़िया सी नायसमा सायरा ने नायसमा के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा नौमान इन दोनों को गले लगते देखकर एक ही जस्त में बाहर की जाने भागा और नजरों से ओझल हो गया नाइसमा का मारे हैरत के बुरा हाल था ये माहौल ये फिक्रे सायरा की शख्सियत बड़ी ख्वाबनाक बड़ी नर्म और दिलकश लग रही थी नाइस्मा ने पीछे पलट कर देखा तो नौमान जा चुका था तो क्या नौमान नायसमा इससे आगे कुछ भी ना सोच सकी मेहमान चांदनी खिड़की से झांक रही थी सायरा ने बेड कवर बिस्तर पर बिछाते हुए राहिल से पूछा राहिल देखो तो जरा ये कवर कैसा है राहिल ने ताजुब से बेड कवर को देखा और सायरा से मुखातिब हुआ इतना कीमती खरीद कर लाई हो कहा से लिए थे इतने सारे रुपए सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा तीन महीनों की बचत से बेड कवर खरीदा है राहल दिल ही दिल में अरमान था खुदा का शुक्र है मैं इसको खरीदने में कामयाब हो गई सायरा ने बेड को पलंग से उठाकर तय कर दिया अरे अरे इसे बिछा ही रहने देती इतने शौक से खरीदा और उठा भी दिया अभी थोड़ी बिछाऊंगी अपना घर जब बनाऊंगी तो तमाम चीजें वहां इस्तेमाल करूंगी यानी ये घर जिसमें तुम रह रही हो तुम्हारा नहीं कराये का घर है मेरा अपना घर नहीं। सायरा अफसरदासी हो गई जिस घर में रहते हैं उसको अपना ही समझते हैं जमीन तो खरीद ली है इनशाला चंद सालों में अपना घर भी बना लेंगे सायरा की आंखों में आंसू उमड आए मजबूरी और बेचारगी से उसने राहिल की जानव देखा राहील उसकी कैफियत भांप रहा था वो कुछ लम्हों के लिए उदास हो गया खिड़की से छन छन कर आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी सायरा आंसुओं की तेज चुभन को तकरीबन भूल सी गई ओ राहील मैंने तुम्हें उदास कर दिया हंस तो प्लीज हंस तो आइंदा मकान की बात कभी भी नहीं करूंगी सायरा ने यह बात कहने को तो कह दी लेकिन दिल के निहा में वो एक खलिश सी महसूस कर रही थी वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुकी थी लेकिन इस मरतबा राहील भी अपनी कम मायगी पर उदास हो गया था जल्द ही सायरा ने उसे हौसला दे दिया राहील ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और होंट भेज लिए कुछ लम्हे वो यूं ही खिड़की के पास खड़ा रहा फिर अपनी निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ते हुए बोला तुम क्या समझती हो अपने मकान का मुझे शौक नहीं मुझे शायद तुमसे ज्यादा अरमान हो देखना बहुत जल्द हम अपना घर बना लेंगे हमारा कौन सा इतना लंबा चौड़ा खानदान है ले दे के एक ही बेटा है कुछ रुपया उसकी तालीम पर उठ जाएगा बाकी की बचत सारी की सारी मकान पर लगा देंगे राहिल की इस बात से सायरा खुश हो गई वो उसके करीब ही खिड़की के पास खड़ी हो गई और अपनी गहरी धीमी आवाज से बोली राहल मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूं अब मुझे अपने बेटे को लाइक करना है असल जायदाद तो हमारा बेटा जीशान है राहिल उसकी बातों से बहुत महजूज हुआ दिन ही बीतने लगे कभी कभी सायरा दबी दबी जबान से मकान की बात करती लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता कहीं राहिल नाराज न हो जाए क्योंकि वो उसके साथ पक्का वादा कर चुकी थी आइंदा जिंदगी में मकान का नाम नहीं लेगी अभी थोड़ा ही अरसा बीता था कि बुनियादें खोदने के लिए राहिल के पास कुछ रकम जमा हो गई तो खुदा का नाम लेकर दोनों ने खुशी खुशी बुनियादें खुदवाई और मकान बनना शुरू हो गया जू जू मकान बनता जा रहा था सायरा कोई न कोई चीज घर के खर्च से बचाकर खरीद लेती और जब खरीदारी करके घर आती तो कई कई मरतबा लाई हुई चीज को देखती और जब उससे ना रहा जाता तो राहल को भी दिखा देती मकान बड़ी आहिस्तगी से बनना शुरू हो चुका था राहल ने बैंक से कर्जा भी ले लिया ताकि मकान जल्द से जल्द तैयार हो सके राहल अक्सर सायरा को गुनगुनाते हुए पाता इसके होंठों पर थी सायरा को खुश देखकर वो भी खुश हो जाता दो साल के अरसे में मकान तैयार हो गया जीशान ने भी मैट्रिक पास कर लिया सायरा नए घर में जाने के लिए बेकरार थी लेकिन राहल ने इसको धीमे लहजे में समझाते हुए कहा सायरा जब तक मकान का कर्जा अदा नहीं हो जाता हम नए घर में नहीं जा सकते हमें घर का कर्ज उतारने के लिए इसको किराए पर देना होगा कितने अरसे के लिए जब तक के कर्ज अदा नहीं हो जाता मकान किराए पर ही रहेगा लेकिन मैं जो पूछ रही हूं आखिर कर्जा अदा होने में कितनी देर लगेगी राहिल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा यही कोई नौ दस साल तो लगेंगे ही क्या क्या कहा सायरा ने आंखें फाड़ते हुए कहा देखो सायरा मकान के कराए और कर्जे की किस्तें हर महीने अदा होती रहेंगी अगर हम खुद नए मकान में चले गए तो किस्तें कौन अदा करेगा हमारे इतने वसायल तो हैं नहीं कि हम खुद ही रह सकें सायरा मगमूम हो चुकी थी उसकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था सिवाय चुप रहने के उसके पास कोई चारा नहीं था जीशान की तालीम जारी थी अब वो कॉलेज में जा चुका था राहिल और सायरा जीशान पर भरपूर तवज्जो दे रहे थे वक्त आहिस्ता आहिस्ता बीतने लगा सायरा नए घर को भूली तो ना थी लेकिन कभी कभी जोशीले अंदाज में खावन से लड़ती थी वो जानती थी कि नए घर में जाने के लिए राहिल भी बेचैन है लेकिन कर्जे के शकंजे में जकड़ा हुआ है राहल सायरा एक रात सोते हुए बोली हम्म नींद से बोझल आंखें खोलते हुए बोला राहील, कहो भी देखो इंसान की तमाम ख्वाहिशें ना सही लेकिन कुछ ख्वाहिशें जो जायज हैं वो तो खुदा को जरूर पूरी कर देनी चाहिए मसलन यही ना कि घर के कर्जे की किस्तें यकमुश्त अदा हो जाएं, तो कैसा हो खुदा के लिए आराम से सो जाओ तुम तो सोते जागते घर के ख्वाब देखती रहती हो ख्वाब क्यों ना देखूं? जो चीजें मैंने खरीद कर रखी हैं, उनको इस्तेमाल में लाना चाहती हूं मैं तो कहता हूं वो तमाम चीजें इसी घर में इस्तेमाल कर लो जब नए घर में जाएंगे तो खुदा हमें और चीजें दे देगा लेकिन मैंने जो सुहाना ख्वाब देख रखा है वो अधूरा रह जाएगा ये सब चीजें मैं ख्यालों ही ख्यालों में वहां सजी देखती हूं अच्छा रात के बारह बज चुके हैं बराए मेहरबानी सो जाओ मुझे सुबह जल्दी जाना है तुम्हारा क्या है तुम ख्वाब में नए मकान की सैर करती होगी अगर देर से उठा तो हर्ष तो मेरा ही होगा राहिल ने करवट ली और सो गया सायरा काफी देर तक जागती रही नए घर में जाने के मंसूबे बनाने लगी जितना सोचती थी उसकी सोचें उतनी ही बढ़ती जा रही थी न जाने रात के किस पहर उसकी आंख लग गई वक्त कभी थमा है और ना कभी थमेगा वो अपनी रफ्तार से चलता ही रहेगा सायरा वक्त के साथ साथ नई उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ जिये जा रही थी जीशान आला औहदे पर फायज हो चुका था इतना अरसा सायरा ने जाने किस हौसले पर गुजारा था ये वही जानती थी मकान का काफी कर्जा अदा हो चुका था चंद किस्तें और बाकी थी सायरा कभी कभी सोचती कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि कुछ ही अरसे के बाद अपने नए घर में चली जाएगी फिर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी इतनी सारी खुशियां वो अकेली समेटेगी वो मसरूर होते हुए सोचे जा रही थी राहील घर में दाखिल हुआ तो वह बरामदे में खड़ी अपने ख्यालों में गुम थी अरे अब दिन को भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं कभी तो होशोहवास में रहा करो सायरा कभी कभी मैं सोचता हूं कहीं तुम नए घर की खुशी में पागल ही ना हो जाओ राहल वो धीमे अंदाज में बोली जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा मैंने इंतजार में गुजारा है अब इंतजार की शिद्दत से निजात हासिल करना चाहती हूं बहुत देर हो चुकी है बस बस सबर करो सबर का फल बहुत मीठा होता है मैं कब कहती हूं मीठा नहीं होता फिर बेसब्री क्यों लो सारी उम्र गुजार दी अब भी कहते हो बेसब्री क्यों अच्छा सायरा एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ पहले दिल थाम लो राहिल ने मसरूर लहजे से कहा हमारी किस्तें अदा हो चुकी हैं और किरायादारों से मकान खाली करवा लिया है और अब हम अगले माह अपने नए मकान में चले जाएंगे सच सायरा खुशी के मारे उछल पड़ी उसकी आंखों में एक खास चमक आ चुकी थी झीशान भी घर पहुंच चुका था माँ को खुशी के आलम में देख कर बोला अम्मी चलो आज खुदा ने आपकी सुन ही ली खुदा पर भरोसा ही तो था जो इतना अरसा मैंने इंतजार में गुजार दिया शुक्र है इस पुराने घर से निजात मिलेगी सायरा का बस चलता तो सामान पैक करना शुरू कर देती लेकिन दोनों को खाना भी देना था वो खुशी खुशी बावर्ची खाने से खाना लेने चली गई आखिर सायरा नए घर में चली ही गई तमाम दोस्त, सभी देने आए। केक और मिठाई के अंबार लग गए में मुबारकबाद देता और कहता सायरा खैर से जीशान बड़ा हो गया है और अच्छे अहदे पर भी फायज हो गया है मकान की खुशी के साथ साथ तुम इसकी मंगनी भी कर दो सायरा ने भी दिल में ठान ली वो मकान की खुशी में अपने मिलने जुलने वालों रिश्तेदारों और अजीजों की दावत करेगी ऐसा ही हुआ सायरा ने बड़ी धूमधाम से दावत की कई लोग वाकई खुश हुए और कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल ही दिल में हसद लिए, खा पी कर चक्कर हो गए अपने घर में वो आ तो चुकी थी और लोगों ने जीशान की शादी के लिए उकसाना शुरू कर दिया था कुछ ऐसे रिश्तेदारों ने जो बरसों से नहीं मिले थे नया मकान देखकर और जिशान को आला औहते पर देखकर सायरा के घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए तोहफों के अंबार लगा दिए सायरा तो ना, ना थी कि उनका इशारा ना समझती लेकिन वो थी दिल की बहुत नरम। पुरानी रंजिशें भूल भाल कर वो अपने रिश्तेदारों के गुन गाने लगी आखिरकार उसे एक घराना पसंद आ ही गया कोई गैर नहीं थे उसके अपने रिश्तेदार थे वो जीशान की मंगनी कर बैठी राहल बैठे बिठाए दिल के आरजे में मुबतला हो गए कुछ ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा था कि जिंदगी ने वफा ना की और वो इस चहाने फानी से कूच कर गया सायरा की दुनिया अंधेर हो चुकी थी आन की आन में उसकी खुशियां लुट चुकी थीं। अब वो जीशान के जाने के बाद अक्सर सारा सारा दिन और कभी कभी तो रात तक अकेली रहती जीशान अक्सर शाम को भी घर से गायब रहने लगा वो खामोशी से जिए जा रही थी वो नहीं जानती थी कि इस नए घर में दाखिल होने से उसका सुहाग लुट जाएगा वो सोचा करती थी काश मैं कराए के मकान ही में रहती और राहील मेरे सर पर सलामत रहता लेकिन मौत पर किसी का जोर नहीं चलता सायरा की उदासी देखकर रिश्तेदारों ने मशवरा दिया कि जीशान की शादी कर दी जाए सायरा खुद भी रौनक चाहती थी एक दिन बड़ी खामोशी से वो बहू ब्याह कर घर ले आई बहू के आ जाने से उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई और जब कभी राहिल का तस्वुर करती तो उसकी आंखों में आंसू काश जिंदा होता तो बहू देख कितना खुश होता वो अक्सर बहू को देख राहील राहिल को याद किया करती बहू जिसका नाम नगमा था उसको पटारे में से निकलते हुए देर ना लगी वो सायरा के साथ घर के कामकाज में ना सिर्फ दिलचस्पी ही ना लेती बल्कि उसने घर की जेबाइश पर भी नुकता चीनी शुरू कर दी सायरा की अक्सर सजाई हुई चीजों पर नगमा को एतराज होता वो अपनी मर्जी से चीजें सेट कर देती लेकिन जब कभी ड्राइंग रूम में सायरा जाती तो वो इन चीजों को अपनी तरतीब से रख देती शब रोज इसी कश्मकश में गुजरने लगे सायरा की कोई बात नगमा को अच्छी ना लगती लेकिन वो मुंह से कुछ ना कहती और दिल ही दिल में कुर् रहती कभी कभी जीशान को तलख लहजे में कुछ कह भी देती एक दिन मोहल्ले में मिलाद शरीफ था सायरा मिलाद में गई हुई थी सायरा की गैर मौजूदगी में नकमा ने ड्राइंग रूम की तमाम पुरानी चीजें हटाकर एक तरफ रख दी और अपनी नई चीजें जो जहेज में लेकर आई थी तमाम की तमाम सजा दी सायरा जब वापस आई तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था उसने नकमा को मतवजा करते हुए कहा नकमा ये सब चीजें कहाँ रखोगी सायरा ने पुरानी चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा आंटी ये चीजें फरसूदा हो चुकी हैं इस कमरे में इन चीजों की जरूरत नहीं नई चीजें बंद होने से खराब हो जाएंगी प्लीज आप जिसको चाहें ये चीजें दे दें नगमा तमाम उम्र मैंने ये चीजें इकट्ठा करने में बसर कर दी और तुम कहती हो किसी को दे दू तुमने कभी सोचा भी है कितने अरमानों से जमा की हैं नगमा गुस्से के मारे पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई दफ्तर से जब शीशान घर आया तो चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी सायरा खामोशी से एक कोने में दुबकी बैठी थी और नकमा अपने कमरे में सिस्कियां भर रही थी। जिशान ने उसे रोते हुए देखकर पूछा आखिर कुछ पता तो चले ये रोना धोना किस वजह से हो रहा है शीशान मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी इस पर मेरा कोई हक नहीं एक तो नई चीजें सजाई हैं, इस पर तुम्हारी मां नाराज हो रही है कि पुरानी चीजें दोबारा सजाऊं ये मुझसे नहीं होगा देखो नगमा अम्मी जान बूढ़ी हो चुकी हैं बुरा मत मानो चरागे सहरी हैं तुम क्यों इस घर से जाती हो जो जी चाहे करो ये तुम्हारा अपना घर है तुम्हारा अपना अम्मी जान तो एक मेहमान की हैसियत से हैं सायरा ने जब ये सुना तो वो थर थर कांपने लगी एक गर्म लहर उसके जिसम में दौड़ गई उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो किसी तंदूर में कूद गई हो उसका जिसम सर से लेकर पांव तक गुस्से से लरसने लगा अपने घर की छत उसके लिए तंग हो चुकी थी अपने घर में रहते हुए वो एक मेहमान थी फिर मेरा घर कौन सा है उसने डूबते दिल से सोचा बावजूद जब्त के आंखें भीग चुकी थी नाजमा अपनी सहेली नौरीन से फोन पर बातें कर रही थी वो इस वक्त खुशी से सरशार बोले जा रही थी जानती हो नौरीन किसके साथ मेरी मंगनी हो रही है अदील नवाज से अदील नवाज कौन अदील नवाज नौरीन ने धीमे से अंदाज में पूछा अरे वही जिनकी टेक्सटाइल मिल है इतना बड़ा बिजनेस होने के साथ साथ वो इंजीनियर भी हैं अच्छे अहदे पर फायज है बस किस्मत ही चमक गई कितनी ख्वाहिश थी कि लड़का अमीर हो ढेर सारी ख्वाहिश भला खाली तनख्वादार बंदा कैसे बुरी कर सकता है अदील के वालदे तकरीबन साल में छह-सात मरतबा बाहर जाते हैं उनके लिए लंदन अमरीका जाना ऐसे है जैसे लाहौर से कराची चले जाओ मुल्क मुल्क की सैर ऐश ही हो जाएंगे अच्छा इतने अमीर है नौरीन ने हैरत से पूछा और क्या कोई ऐसे वैसे बस खुदा ने सुन ली है नाजमा अपनी ही धुन में कहे जा रही थी नौरीन खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी नाजमा बोलती जाती और नौरीन हूं हाँ करती रहती दरअसल नौरीन के साथ नाजमा का बहुत ही प्यार था बचपन की सहेलियां थीं। एक दूसरे के मिजाज को अच्छी तरह जानती थीं। नौरीन भी बिल्कुल नाजमा की हम ख्याल थी खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी आखिरकार बोल ही उठी तारीफें ही करती जाओगी या मुझसे भी मिलवाओगी क्यों नहीं जब भी अदील हमारे घर आया तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी तुम चली आना अच्छा है गपशप रहेगी नाजमा ने कह तो दिया मगर नौरीन बजिद थी कि वो अदील को सुबह ही मिलेगी अच्छा बाबा मैं अदील को कल शाम चार बजे बुलवाती हूँ ये ना हो कि तुम वक्त पर पहुंच ना पाओ कैसे हो सकता है मैं अपनी सहेली का इंतखाब देखने के लिए बेचैन हूं ठीक है कल चार बजे नाजमा ने ये कहते हुए फोन बंद कर दिया दूसरे दिन शाम के चार बजे ही थे कि नौरीन नाजमा के घर पहुंच गई अभी उसे आए दस मिनट गुजरे थे कि अदील आ गया नाजमा ने खंदा पेशानी से अदील का तारुफ नौरीन को करवाया अदील ये मेरी बड़ी ही प्यारी दोस्त नौरीन अदील ने नौरीन की तरफ देखते हुए कहा वो तो लग ही रहा है और आपके बारे में गायबाना बहुत जानता हूं इतनी तारीफें नाजमा करती हैं कि मत पूछे अच्छा नाजमा तारीफें करती हैं नौरीन ने अदील की जानब देखते हुए कहा मैं सच कह रहा हूं मुझे खुद शौक हो रहा था आपसे मिलने के लिए सो आज देख लिया अदील ने भरपूर नजरों से उसकी जानब देखते हुए कहा नौरीन शर्मा गई नाजमा ने उठते हुए कहा मैं चाय का बंदोबस्त करती हूं तब तक आप बातें करें नाजमा जा चुकी थी नौरीन आदिल के सामने खामोश बैठी थी आप नाजमा की क्लास फेलो हैं अदील ने सकूत तोड़ा जी नौरीन ने अपनी पलकें ऊपर उठाई अदील की जानब देखा और फिर खामोश हो गई आप कोई बात करें ये जी से काम नहीं चलेगा नौरीन ने कहा। बातें तो नाजमा ही कर सकती है मैं बस सुनती ज्यादा हूं अच्छा तो आप बातूनी नहीं वाह मुझे तो खामोश लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन नाजमा भी इतनी बातूनी नहीं आपने कैसे कह दिया वो तो बातें कर करके मेरा सर ही खा जाती है आपसे बातें नहीं करेगी तो और किससे करेगी ये बात भी सही है उसने मुस्कराते हुए जवाब दिया नाजमा चाय की ट्रॉली लिए कमरे में दाखिल हुई चाय हाजिर है वो ट्रॉली नौरीन के आगे बढ़ाते हुए बोली नौरीन प्लीज अदील को चाय बना दो और मुझे भी नौरीन ने खास अंदाज से उठी टिकोजी चायदानी से हटाई और चाय बनाने लगी कितनी चीनी इसने अदील की जानब देखते हुए कहा एक चम्मच। नौरीन ने चाय की प्याली अदील को देते हुए नाजमा की तरफ देखा तुम कितनी चीनी लेती हो लो आज अदील को देख कर भूल गई हो कि मैं चाय में चीनी नहीं लेती नाजमा उसकी खपतुल हवासी पर हंसती नौरीन वाकई अदील की मौजूदगी में घबराहट महसूस कर रही थी दो घंटे वो लोग बातें करते रहे अदील की इतनी पुरकशिश तबीयत थी दोनों का जी नहीं चाह रहा था कि एक दूसरे से इजाजत लें मगर सात बजने से पहले अदील ने कहीं और भी जाना था और वो इन दोनों से इजाजत लेते हुए चला गया इसके बाद नौरीन और नाजमा को उसके बारे में बातें करने का मौका मिल गया नौरीन ने नाजमा की जानब देखते हुए कहा नाजमा वाकई तुमने बड़ा लंबा हाथ मारा है एक तो जबरदस्त शख्सियत और दूसरा पैसे वाला तुम तो किस्मत की धनी हो तुम क्यों फिक्र करती हो इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें मिल सकता है मैं अदिल को कहूंगी तुम्हारे लिए भी ऐसा ही बर तलाश करे कसम से नाजमा तुमने तबीयत ही खुश कर दी एक बात याद रखना मुझे गुर्बत पसंद नहीं बचपन का तल्ख तजुर्बा अभी तक मुझे भूला नहीं नौरीन की इस बात से नाजमा उसके माजी को झांकने लगी नौरीन के बाप ने उसकी मां को तलाक दे दी थी और वह नन्नी सी जान लेकर मैके आ गई थी भाई भाभियों ने मुंह मोड़ लिए तो सारी जिंदगी उसने हॉस्टल के एक कमरे में गुजार दी वो तो स्कूल की प्रिंसिपल उस पर मेहरबान थी जिसने नौरीन की मां के साथ रहने दिया टीचिंग करते करते कई सालों में नौरीन की मां ने रुपए इकट्ठे करते करते अपनी सेहत पर बात कर ली तब जाकर एक छोटा सा मकान लेने में कामयाब हुई नौरीन ने जवान होते ही अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी वो माजी की तलखियों और महरूमियों को कुछ बन कर दूर करना चाहती थी रुपए हासिल करना चाहे किसी भी सूरत में उसका एन मकसद था इस बात को नाजमा भी जानती थी वो सोचते सोचते नौरीन से बोली नौरीन एक बार मेरी शादी हो ले तो जबरदस्त अमीर आदमी से शादी करवा दूंगी फिर तुम्हें किसी किस्म की मोहताजी नहीं रहेगी नौरीन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा नाजमा आज के दौर में पैसा पैसे को टकराता है अमीर लड़के भी किसी अमीर लड़की को ही पसंद करते हैं तुम्हारी मनमोनी सूरत देखकर कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा नौरीन ने जाते जाते नाजमा की बात सुनकर कहा नाजमा आजकल लड़की को दौलत के तराजू में तोला जाता है उसकी जायदाद का हिसाब लगाया जाता है सूरत को कोई अहमियत नहीं देता नौरीन देखो अब हमारे पास इतनी दौलत तो नहीं इसके बावजूद अदील ने मुझे चुन ही लिया है हो सकता है सब मर्द अदिल की तरह ना हो नौरीन दिल छोटा ना करो अल्लाह बेहतर हल निकालेगा नाजमा ने उसको हमदर्दी के साथ रुख्सत किया कितने सारे दिन बीत चुके थे अचानक एक दिन अदील आ गया नाजमा ने नौरीन को भी बुलवा लिया तीनों बातों में मसरूफ हो गए नौरीन की झिझक पहले से दूर हो चुकी थी नाजमा ने अदील की जानब मुस्कुराते हुए कहा अदील तुम नौरीन के लिए अपने जैसा लड़का ढूंढो अदील ने नौीन को गौर से देखते हुए कहा लड़के तो बेशुमार हैं मगर मेरे जैसा शायद ही कोई हो वाह इतना मान है अपने आप पर क्यों ना हो लाखों में शायद एक अदील जैसा माए जन्म देती हैं। खैर फिक्र की कोई बात नहीं इनकी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया जा सकता कोई सूरत निकालेंगे नौरीन ने झिपते हुए कहा आप भी नाजमा की बातों में आ गए हैं। सच तो कह रही है अगर मैं लाखों में एक हूं तो आप इसके मुकाबले में करोड़ों में एक हैं। अदील ने ये बात कहते हुए नाजमा की जानब देखा लेकिन वह अपनी सहेली की तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी और अदील की जान में जान आ गई मगर नौरीन का मारे हैरत के बुरा हाल था कि अदील उसके बारे में इतनी बड़ी बात कह देगा एक साथ के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह हवाओं में उड़ रही हो उड़ते उड़ते एकदम जमीन पर आन गिरी हो वो उससे आगे ना सोच सकी उसकी पेशानी पर नन्हे नन्हे कतरे पसीने के नमोदार हो रहे थे और वो वहां पर ज्यादा देर ना बैठ सकी नौरीन के जाते ही अदील ने नाजमा से पूछा ये तुम्हारी सहेली चीज क्या है बहुत अफसुर्दा दिखाई देती है बेचारी को बचपन में तलखियों का सामना करना पड़ा ये कहते हुए नाजमा ने सारी हकीकत से अदील को आगाह किया अदील उसकी बातों में महफ था और दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुन रहा था नाजमा की बजाय वो नौरीन की बातों के मुतालिक ध्यान दे रहा था नाजमा और अदील की मुलाकातों में फर्क आने लगा वो जब भी अदील को घर आने के लिए कहती उसे कोई ना कोई काम याद आने लगा नाजमा हैरत अंगेज तब्दीली पर हैरान थी वो तो अदील को अपना मिजाजी खुदा बनाए हुए थी मगर अचानक अदील की तरफ से मंगनी तोड़ने का ऐलान हुआ वो तो चकरा गई बगैर किसी वजह या सबब के उसने मंगनी की अंगूठी वापस करते हुए कहला भेजा था मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं नाजमा के लिए ये इतनी बड़ी बात थी उसका सर चकराने लगा और संभलते संभलते ही वो संभली ऐसी बिस्तर पर पड़ी कि उसे होश ना रही फिर एक रोज खिलाफे तवका नौरीन का फोन आ गया नाजमा आज शाम को मेरी मंगनी होटल में हो रही है आओगी ना जरूर आऊंगी कैसा है वो बहुत ही अच्छा जैसा चाहती थी वैसा ही मिला खुदा मुबारक करे नाजमा ने बुझे दिल से कहा नाजमा होटल के हॉल में दाखिल होते हुए स्टेज की तरफ बड़ी सामने बैठे दुल्हा की तरफ देख कर सी गई यूं लगता था जैसे जमीन आसमान जामेद हो गए हों वक्त रुक सा गया हो या उसकी दिल की धड़कन बंसी हो गई हो अपने दिल पर मनोबोझ महसूस कर रही थी कोई गैर नहीं था अदील ही नौरीन का होने वाला शौहर था नाजमा ये देखते ही उल्टे कदमों से कार पार्क की तरफ बड़ी ड्राइवर हैरानगी से देखते हुए बोला क्यों बीबी जी नाजमा ने पथराई आंखों से कहा घर चलो गलत जगह पर आ गए हैं जंजीर नदीम का बचपन का रिश्ता आज टूट गया था सलमा बेगम यूं तो नदीम की फूफी लगती थी मगर नदीम के सर पर बुजुर्ग न होने के सब आज बरसों का तय किया रिश्ता कच्चे धागे की तरह टूट गया था नदीम की अच्छी खासी दुकान चल रही थी कारोबार के मामले में वो किसी से पीछे नहीं था उसका ऐसा दिल टूटा कि वो मुर्ख छोड़ने पर तैयार हो गया वो उदास सा अपनी दुकान पर खड़ा था कि उसका दोस्त फयाज आ गया उसने नदीम को खमजदा देखा तो पूछा अबे यार क्या बात है तुम्हारे मुंह पर बारह बज रहे हैं किस्मत ही बुरी है बारह तो बजने ही है क्या हुआ होना क्या था भाई मेरी फूफी सलमा बेगम ने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया उनका कहना है कि अकेला लड़का है सर पर ना बाप ना मां होने की वजह से अगर मुस्तकबिल में मेरी बेटी को छोड़ दे तो मैं किसके पास जाऊंगी अजीब अहमक है तुम्हारी पुप्पी भाई तुम्हें देनी है बेटी के बुजुर्गो को मुझे तो खपती मालूम होती है इसमें कोई शक नहीं क्या फौजिया भी तुम्हें चाहती है इसकी चाहत से क्या होता है जिधर माँ ने उसकी कल मड़ोड़ दी उसने चुपचाप मुड़ जाना है इसका मतलब साफ है वो कोई मालदार घराना देखना चाहती हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं तो दिल बर्दाश्ता हो गया हूं और सोच रहा हूं कि बाहर चला जाऊं अब फौजिया की शादी कहीं और होते मैं कहाँ देख सकता हूं नदीम तुम अच्छे खासे सेट हो चुके हो दुकान अच्छी भली चल रही है चार पैसे भी कमा रहे हो बाहर के मुल्क में क्या रखा है फिर अगर तुम चले भी जाते हो तो तुम्हारी फूफी या उसकी बेटी को क्या फर्क पड़ेगा वो तो और भी खुश होंगे चलो बलाटली मेरी राय मानो किसी ना किसी तरह से उनको राम करो। मेरा ख्याल है, वो लोग मान जाएंगे आखिरकार तुम बेगाने नहीं उनके सगे भतीजे हो हर तरह से कोशिश कर चुका हूँ वो किसी तिल पर ही नहीं आ रही आज तो साफ तौर पर मुझे इनकार कर दिया है और अपनी बहन के घर नाता जोड़ लिया है देखो नदीम मायूसी गुना है तुम अब भी कोशिश कर देखो हो सकता है फूफी जान मोम हो ही जाएं। फयाज उसे समझा बुझाकर चला गया और नदीम को पुरानी बातें याद आने लगी कैसे वह यतीमी के दौर में फूफी जान के पास पनाह लेने के लिए आया था और कैसे कैसे जुल्म इस घर में सहे थे ये तो बाप की जायदाद का जब बंटवारा हुआ तो नदीम के हिस्से में जो रुपया आया इस रुपए से उसने दुकान ले ली और अपनी रिहायश फूफी के यहाँ ही रखी शुरू शुरू में फूफी उसका रुपया देखकर निहाल हुई जा रही थी लेकिन जैसे ही कोई और रिश्ता माकूल नजर आया साफ इनकारी हो गई नदीम की आंखों में अश्क भर आए वो सबर से काम लेते हुए बाहर के मुल्क की तैयारी करने लगा मगर आज जब फयाज उसको समझाकर चला गया तो उसने ठान ली चाहे कुछ भी हो जाए वो फौजिया से शादी करके छोड़ेगा नदीम ने फौजिया के ससुराल खुफिया खत लिखा और साफ लफ्जों में लिख दिया कि हम एक दूसरे को चाहते हैं लिहाजा वो रास्ते में से हट जाए फौजिया के ससुराल में खत क्या पहुंचा एक कयामत बर्पा हो गई और आन की आन में रिश्ता टूट गया अब पुपी दोबारा नदीम की गर्विदा हो गई नदीम अच्छा खासा खार खाए बैठा था वो दिल ही दिल में तरह तरह के मंसूबे बनाए शादी के लिए रजामंद हो गया बड़ी सादगी के साथ उसकी शादी फौजिया से हो गई फौजिया ने नदीम के घर कदम रखते ही उसको अपना मजाजी खुदा मान लिया और पूरी कोशिश करने लगी कि किस तरह से नदीम को खुश रखा जा सके नदीम बजा इससे कोई बात ना करता मगर दिल ही दिल में इंतकाम की आग भड़काता रहता फौजिया कभी कभी इसको चुप देखती तो पूछती क्या बात है नदीम? तुम हर वक्त खामोश रहते हो हालांकि शादी से पहले तुम ऐसे नहीं थे इंसान बदलता रहता है जरूरी नहीं कि मैं अब भी वैसा ही रहूं पहले तुम हंसमुख हुआ करते थे कोशिश करो अब भी वैसा ही रहने की वैसा रहना मेरे बस में नहीं फौजिया ने मोहब्बत से उसे देखा मगर वो उस वक्त किसी और सोच में मगन था फौजिया ने धीरे से कहा नदीम कुछ मुझे भी बताएं आपको क्या परेशानी लाहक है क्या बताऊं कुछ भी तो नहीं वो दिल ही दिल में सोचने लगा अपनी परेशानी एक बार अया कर दूंगा अभी वक्त नहीं आया लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोला और बात आई गई हो गई एक दिन वो घर में बैठा था कि मुलाजिम ने आकर कहा फयाज साहब आए हैं उन्हें भेज दो नदीम ने फयाज को आते देखकर कहा बड़े दिनों के बाद आए हो बस यार वक्त ही नहीं मिलता वक्त निकाल लिया करो मैं तुम्हारे बिना बोर होता रहता हूं भाई पुराना गुस्सा थूक तो, फूफी ने तुम्हारा कहना मान लिया था शादी हो चुकी है तुम्हारी पुराने गिले शिकवे मत दोहराया करो तुमसे ना कहूं तो किस से कहूँ? क्यों भाभी से इस मौजू पर कभी बात नहीं की तुम्हारी भाभी को एक ही बार सबक पढ़ाऊंगा छोड़ो यार फयाज इसको ठीक करते हुए बोला लेकिन नदीम कहाँ ठीक होने वाला था वो दिल ही दिल में हर रोज नए मंसूबे बनाता और फिर तोड़ देता शादी को पूरा एक साल हो गया था वो एक बच्ची का बाप बन चुका था नायला इसकी गोद में थी नन्ही सी बच्ची अपनी आंखें खोले नदीम की गोद में लेटे देखती रहती वो बच्ची में महब हो जाता और कुछ लम्हे के लिए अपने मंसूबे को भूल सा जाता लेकिन होश में आते ही वो मजबूती कायम कर लेता एक दिन खाना खाते हुए फौजिया ने सवाल किया नदीम ना जाने तुम्हें क्या हो गया है अब तुम एक बच्ची के बाप भी बन गए हो अपने दिल की बात बताओ आखिर क्या परेशानी है देखो फौजिया हर वक्त इस तरह के फजूल सवाल ना किया करो तो बेहतर है बच्ची का बाप ही बना हूं कोई रब नहीं लेकिन मुझे यूं आपका चुपचाप रहना अच्छा नहीं लगता मेरे दिल में वह उठते हैं कहीं तोबा कैसी बातें करते हैं एक बच्ची का बाप होने के नाते आप इस तरह की गलती कर ही नहीं सकते मैं तो ये सोचती हूं कहीं कोई परेशानी ना हो तुम बेफिक्र रहो मुझे कोई परेशानी नहीं खुदा करे ऐसा ही हो फौजिया ने सिद के दिल से कहा नायला एक साल की हो चुकी थी नदीम अमरीका के विजे के लिए पूरा एक साल सरगर्दा रहा अब कुछ सूरत बन रही थी उसके चले जाने की उसका बड़ा ही अजीज दोस्त वहां मुकीम था जो अक्सर उसको बाहर आने की दावत देता वो आजकल उसके लिए कोशिश कर रहा था फौजिया नदीम के मंसूबे से बिल्कुल बेखबर थी और नदीम के दिल की खटक अभी तक कम ना हुई थी सुबह नदीम दुकान खोलने के लिए जा रहा था कि फौजिया ने उसे जाते हुए रोका नदीम शाम को जल्दी आना आज नायला की सालगिरा है मैंने काफी मेहमानों को मदो किया है सालगिरा सालगिरा किस खुशी में कर दी है इसी बहाने बच्चे खुश हो जाते हैं माए भी तो खुश होती हैं सिर्फ माए थोड़ी बाप भी खुश होता है फौजिया ने मुस्कुराते हुए इल्तफात भरी नजरों से देखते हुए कहा शाम को जब नदीम घर आया तो खासी गहमा गहमी थी नायला ने खूबसूरत फ्रॉक पहना हुआ था नदीम को देखते ही वो इससे चिमट गई नदीम ने प्यार से उसे गले लगाते हुए गुड़िया उसके हाथ में देते हुए कहा नायला ये तुम्हारा तोहफा है नायला बोल तक नहीं सकती थी वो मुस्कुराई सब मेहमान नायला की तारीफ कर रहे थे बड़ी प्यारी बच्ची है नदीम के रिश्ते की बहन ने कहा नदीम तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो बीवी मिली तो वो भी बहुत नेक और सुघड़ और फिर अल्लाह ने चांद जैसी बेटी अता कर दी यूं तीन साल का अरसा और बीत गया नन्नी नायला अब चार साल की हो गई अपने छोटे भाई इरफान को आते जाते गुस्से से उसके मुंह पर चुटकी भर देती और रोना शुरू कर देता और वो तालियां बजा बजा कर नदीम और फौजिया दोनों को इकट्ठा कर लेती फौजिया उसकी हरकत से उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर देती और वो गुस्से में नदीम की गोद में बैठ जाती और कहती मैं पापा की बेटी हूँ वो तोतली जुबान में कहती और नदीम उसे प्यार से अपने साथ लगा लेता नदीम चार पांच सालों में मंसूबे ही बनाता रहा लेकिन आज उसके दोस्त का खत आ गया जिसने लिखा था कि उसने उसके लिए तमाम बंदोबस्त कर लिया है माकूल नौकरी का और रिहायश वगैरह का नदीम उसके खत से इतना महसूस हुआ कि अंदर ही अंदर तैयारियों में मसरूफ रहने लगा वो अपने नए कपड़े सिलवा रहा था दर्जी से कपड़े लेकर आया तो उसने बक्स में रखते हुए फौजिया से कहा फौजिया बुनियाने और जराबे भी रख देना फौजिया उसकी सरगर्मियां देख रही थी और हौले से बोली रोज नित नए कपड़े सिलकर आते हैं और बक्स में बंद हो जाते हैं ऐसा लगता है नदीम तुम कहीं जा रहे हो नदीम ने बगैर उसकी जानब देखते हुए कहा हाँ तुमने ठीक अंदाजा लगाया मैं कुछ दिनों के लिए कराची जा रहा हूं अकेले ही जा रहे हो हाँ काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा है मुझे भी साथ जाने का शौक है जब से शादी हुई है तुम कहीं लेकर नहीं गए फौजिया मजबूरी है मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता फौजिया ने तकरार करना मुनासिब न समझा पिछले पांच सालों से वो नदीम के रूखे फीके रवैये को बर्दाश्त करती आई थी लेकिन उसने कभी शिकवा नहीं किया था आज भी वो खामोश हो गई नायला तितली की तरह घर भर में मंडलाती फिर रही थी वो बाप को तैयारी करते हैरानगी से देख रही थी पापा किधर जा रहे हैं नायला ने तोतली जुबान से पूछा बेटा मैं बहुत दूर जा रहा हूं दूर जा रहे हैं हां हम भी नहीं तुम अपनी अम्मी के पास रह रही हो नायला ने नदीम की बात से रोना शुरू कर दिया नदीम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा अच्छे बच्चे रोते नहीं आप क्यों जा रहे हैं काम है बेटा पापा हम घर में अकेले ही रहेंगे? नदीम ने उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए कहा नहीं मामा तुम्हारे साथ होंगी मैंने मामा के साथ नहीं लेना मामा मारती हैं मुझे नायला ने रोना शुरू कर दिया दूसरे कमरे से फौजिया भी आ गई कमरे का नक्शा ही बिगड़ा हुआ था बिस्तर पर कपड़े बिखरे पड़े थे और नदीम उनको बक्स में तह कर कर रख रहा था फौजिया ने उसकी जानब देखते हुए कहा तो क्या आज जा रहे हैं आज ही तो जा रहा हूं लाइए मुझे दें मैं तह करके बक्स में रख देती हूं फौजिया ने नदीम से कपड़े छीन लिए और बक्स में तय करके रखने लगी नायला अभी तक रो रही थी फौजिया ने उसकी जानब देखा तो पूछा क्यों रो रही हो बेटा पापा जा रहे हैं कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे मत रो फौजिया ने उसे तसल्ली देते हुए कहा नदीम चुपचाप बैठा माँ बेटी की बातें सुन रहा था फौजिया ने बक्स तैयार करने के बाद जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और नदीम के पास आते हुए कहा मेरा ख्याल है खाना खाकर जाएं। हो सकता है जहाज का खाना अच्छा ना हो वो चुपचाप फौजिया के पीछे पीछे दूसरे कमरे तक आया गर्मा गर्म खाना मेज पर चुना था उसने खाना खाते हुए दरवाजे में खड़ी नायला की तरफ देखा आओ खाना खाओ नायला ने गुस्से से सर हिला दिया नहीं खाऊंगी नहीं, नहीं। क्यों नहीं खाती पहले वादा करें आप नहीं जाएंगे नदीम ने उसकी मासूमियत को देखते हुए कहा अच्छा खाना तो खाओ नदीम ने इतना ही कहा था कि वो खुशी खुशी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई पापा मैं क्या खाऊं तुम सब कुछ खाओ नायला की प्लेट में चावल डालकर बोला नायला जी पापा भाई को नहीं मारते अच्छा पापा आप ना जाएं, मैं भाई को नहीं मारूंगी नदीम खाना खत्म करके जल्दी से अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर में हाथ में अटैची केस पकड़े हुए बोला अच्छा मैं चलता हूँ पहुंचने पर इतला कर दूंगा फौजिया ने दुख भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा वो बाहर की जानब लपका नायला उसके पीछे भागी पापा पापा हमें छोड़ कर ना जाए पापा हम आपके बगैर कैसे रहेंगे नायला की जानब उसने भरपूर नज़रों से देखा बच्ची की आंखों में आंसू थे नदीम के कदम डगमगाए आन की आन में तमाम बनाए हुए मंसूबे मट्टी में मिल गए चंद लम्हों ने सारे ही फैसले कर दिए नदीम ने हाथ में पकड़ा हुआ अटैची के जमीन पर रख दिया दोनों बच्चों की मासूमियत उसके पैरों की जंजीर बन चुकी थी फौजिया भी दरवाजे की ओट में सब कुछ देख रही थी उसकी आंखों में मुसरत से आंसू चमक पड़े नदीम यकलख्त मुड़ा और दूसरे ही लम्हे उसने नाइला को सीने से लगा लिया नाइला नाइला मेरी बच्ची मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं बाप हूं और कोई बाप अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाता। इसके साथ ही ये अफसाना और कैसेट नंबर एक अपने अख्ताम को पहुंची अगर आप मजीद अफसाने सुनना चाहते हैं तो कैसेट नंबर दो लगा लीजिए अगर आप पोल्टी किताबों के बारे में हमसे रहा कायम करना चाहें तो पीओ बॉक्स नंबर वन सिक्स फाइव टू इस्लामाबाद या टेलीफोन नंबर टू नाइन ज़ीरो टू सिक्स वन पर साइमा से बात करें शुक्रिया